हरे कृष्णा। योगा इन हाउस आज के व्यवहारिक सामाजिक जीवन में अक्सर लोगों के पास समय का अभाव रहता है। समय के अभाव के कारण हम पार्कों में जाकर योगा नहीं कर सकते या किसी योगाचार्य के पास जाकर आश्रमों में भी योगा नहीं सीख सकते। ये पांच छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, जो मात्र पांच बातें पांच मिनट में बताई जाएंगी आपको, और इसका लाभ मुझे विश्वास है आपको पहले दिन में ही लगेगा। पहली बात है पानी। प्रातःकाल उठकर अमृत पान, हल्का गर्म पानी सिप करके बूंद बूंद लेना चाहिए। इसको आप 12 महीने ले सकते हैं, जो पेट की समस्त बीमारियों में एक प्राकृतिक दवाई है, तथा हो सके तो दोनों समय भोजन के एक घंटे के बाद भी हल्का गर्म पानी 12 महीने लें। आप देखेंगे आपकी एसिडिटी काफी हद तक नियंत्रण में रहेगी, पेट संबंधित बीमारियों में आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आंख के लिए। सुबह उठ के मुंह में पानी भरकर 40 बार छींटे मारें अपनी आंखों पर। इससे आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। मेरा अपना पुत्र लगभग 40 साल का है, उसको आज तक आंखों का चश्मा नहीं लगा है, वो उस क्रिया को करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है पैरों का व्यायाम। पैरों का व्यायाम भी आप घर में अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों की मालिश करें। पैरों की मालिश में आप विशेष रूप से घुटने की और पिंडली की मालिश करें। उसके बाद मात्र एक मिनट के लिए एड़ी पर चलें, मात्र एक मिनट के लिए पंजे पर चलें, और मात्र 3 से 5 मिनट के लिए आप जॉगिंग करें, एक ही स्थान पर दौड़ करें। आप देखेंगे कि आपके पैरों में की नसों में बहुत नरमी आएगी। इसके बाद यदि आपके पास समय है और आप सैर को जाते हैं तो इसका लाभ आपको पहले दिन ही मिलेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात है 2 प्रमुख योगासन आपको अपने घर पर ही कर सकते हैं, जैसे सैर के बाद या ऑफिस से आने के बाद शवासन, और भोजन के बाद वज्रासन। पांचवी महत्वपूर्ण बात है 2 प्रमुख उपयोगी प्राणायाम आप जरूर करें 5 से 15 मिनट के लिए, जो आप घर पर, घर की छत पर अथवा खुली जगह पर करें। कपालभाति प्राणायाम जो पेट के समस्त रोगों के लिए उपयोगी है, और दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम जो शरीर की समस्त नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्णा।